माशाल्लाह यहाँ पर सज्जी बन रही है, बहुत सारी सज्जियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये लेके आगे भाई फुल रोश। ओहो हो, देखें ऊपर भाई तेल की बरसात हो गई। ये लस्सी के लिए चिल्लर है, ये पूरी लस्सी है इसमें। वाह भाई वाह, क्या बात है यार। ओहो भाई साहब, हमेशा मैं अपने दोस्तों को लेने के लिए जाता था, आज मेरे दोस्त आ रहे हैं मुझे लेने और हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान तीनों एक साथ। लेकिन पाकिस्तान के कौन से शहर में जा रहे हैं ये फ़िलहाल आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, और आप बताएं, देखते हैं कौन सही पूछता है नीचे कमेंट्स में कि कौन से शहर में जा रहे होंगे। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं अब्दुल मलिक फखरी और पाकिस्तान के सफ़र में खुश आमदीद। लेकिन देखें भाई, मैं टाइम पे आ जाता हूँ हमेशा, ये लोग मुझे लेट करवाते हैं। यार ये कोई तरीका तो नहीं होता। अब्दुल रहीम साहब जेंटलमैन, कैसे हैं भाई? ज्यादा लेट तो नहीं हुए? नहीं ज्यादा लेट। आइए, ये हैं अहमद भाई, ये अब्दुल रहीम भाई के चाचू हैं। अब्दुल रहीम भाई उनके चाचू हैं भाई। कभी आपने इतने बड़े चाचू देखे हैं, इतने छोटे? मेरा तो है ना छोटा चाचू। अच्छा, ये उसी हिसाब से चाचू है, मतलब भतीजा। देखें कितना खिदमत गुजार है, सिर्फ व्लॉग में आने के लिए। ठीक है ठीक है, मैं आपका चैनल मेंशन कर दूंगा, मैं कहूंगा इनके चैनल भी सब्सक्राइब करें। एयरपोर्ट पे जाने से पहले हमारा हो गया यहाँ पर शोरमा का टाइम, और ये जो है कि हमें डिलीशियस लगती है शोरमा, इसलिए यहाँ से ले रहे हैं हम लोग। ले रहे हैं ये वाली बीफ शोरमा, और इस तरफ है चिकन शोरमा। हाँ भाई, ये वाला ज़्यादा डालना थोड़ा सा भैया भाई। इसमें टहीना डाल के देते हैं और मिर्ची वाली चटनी, और सैंडविच बना के देते हैं, बहुत ज़बरदस्त। देखें भाई, ये है हमारी सैंडविच, बिस्मिल्लाह, इंतहाई नरम और मज़ेदार होती है। लेकिन हमारे अब्दुल रहीम भाई ने लिए ये जो पाकिस्तान में बर्गर होते हैं ना, इसको कहते हैं यहाँ पर समूली, हमने लिया ये रोटी वाला। चलें भाई साहब, हम लोग पहुँच चुके हैं जद्दा एयरपोर्ट और हज टर्मिनल में, क्योंकि PIA हज टर्मिनल से ही जा रही है। और इसके अलावा जमजम का जो है ना, उन्होंने दे तो दिया है जमजम, लेकिन अब आगे पता नहीं लेके जाने देते हैं या नहीं, क्योंकि पहले नहीं जाने दे रहे थे, फिर कुछ लोग ले गए। जी 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 जी, आपके होते हुए नहीं जाने देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे होते हुए कहाँ, हमारे होते हुए कहाँ जाने देंगे। देखें भाई, घर से आप आखिरी लेट आते हैं, यहाँ पर भी आखिरी। यार ये कौन सी बात है, हम तो आपके पीछे आगे चले जाए, आगे कौन सा बिरयानी पार्टी जा रही है। नहीं पुलाओ इस बार नहीं। चैलेंज जी, ख़वातीनो हज़रात, हम लोग पहुंच चुके हैं इस टाइम पे इस्लामाबाद एयरपोर्ट में, और हमारा कुछ सामान था वो इस्लामाबाद में, इधर एक दोस्त को बुलाया था वो लेके चले गए, और अभी हम लोग तैयार हैं क्वेटा जाने के लिए। ये इस तरफ हमारा जहाज़ तैयार, तो इंशाल्लाह क्वेटा जा रहे हैं। वैसे लास्ट फ्लाइट जो थी PIA की, अच्छी फ्लाइट थी, कैप्टन को 5 स्टार, बाकी क्रू जो था ना अच्छा था। अस्सलामुअलैकुम राजीव भाई, क्या हाल चाल? ठीक है, खुश है, ठीक है, वालेकुम सलाम, ठीक है, मजे में। चलें जी ख़वातीनो हज़रात, हम लोग पहुंच चुके हैं यहां पर बलूचिस्तान में, क्वेटा कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान, और अब्दुल राजिक भाई हमारे यहाँ पर मेज़बान हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, इन्होंने हमें यहाँ पर इनवाइट भी किया है और यहाँ पर मेज़बानी भी कर रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए थैंक यू राजिक भाई। और राजिक भाई थोड़ा से शर्माते भी हैं कैमरे से। और हमारे सब भाई यहाँ पर मौजूद हैं, कराची से स्पेशल आए हैं बाबर भाई। सर, बाबर भाई कैसे हैं? मोस्ट वेलकम भाई जान, कैसे हैं? मज़े में। शाहजहान भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। अभी भाई साहब हम लोग यहाँ पर आए हैं अल दुबई, आप पहले देख लो। नहीं, मेरा तारुफ नहीं कराया आप जो है ना, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। करे कुछ तो करे। ये भाई गोश्त खाने आए हैं,
ये तारुफ है इनका। अल दुबई रेस्टोरेंट गार्डन पे हम लोग आए हैं, कहते हैं यहाँ पर ये बड़ा स्पेशल है। इस इलाके का क्या नाम था मैं तो भूल गया, कुशलाक। क्वेटा से निकल कर कुशलाक में आए हैं हम लोग। भाई साहब अभी रोश वगैरह देखने जा रहे हैं, देखिए माशाल्लाह इधर काफ़ी सलादें वगैरह यहाँ पर बनाते जा रहे हैं, माशाल्लाह तबरक। हाँ क्या बात है, ये हर चीज़ फ्रेश यहाँ पर बन रही है, क्या बात है भाई। इसमें अभी फ्रेश रोश बन रहा है, इसका हटाने लगे हैं ढक्कन, क्या बात है यार। इसमें रोश फ्रेश बनी हुई और ओ हो 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 माशाल्लाह तबारक अल्लाह, क्या बात है। गोश्त का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, एकदम नेचुरल कलर नज़र आ रहा है। वाह भाई वाह, ये सारी रोशें बन रही हैं यहाँ पर हैं। बिरयानी है, अच्छा ये बिरयानी ज़बरदस्त माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये भाई साहब बिरयानी यहाँ पर माशाल्लाह। ये भाई साहब देखें यहाँ पर बिरयानी के लिए ताज़ा बिरयानी बन रही है, चावल निकाल रहे हैं उबाल के, पुलाव तैयार है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। इसमें पुलाव में क्या क्या डालते हैं, ये ऊपर किशमिश, जबरदस्त दम के साथ ही किशमिश डाल दिए हैं, जबरदस्त लाजवाब माशाल्लाह तबारकअल्लाह, क्या बात है माशाल्लाह तबारकअल्लाह। इधर भाई रोश यहाँ पर डाल डाल के दे रहे हैं, जबरदस्त लाजवाब। ये रोश के साथ ये येलो क्या डालते हैं, ये दाल, दाल रोश के साथ होती है। एक ये देखें भाई रोश बनती जा रही है, इसमें दाल डाली और इधर से इसके ऊपर तरी डाल दी, क्या खूबसूरत। ये भाई देखें यहाँ पर सब तैयार है, तो ये देखें भाई साहब काफ़ी सारी रोश यहाँ पर लेके जा रहे हैं माशाल्लाह तबारकअल्लाह। इधर इतनी 5 प्लेटें साथ में सलाद रायता वगैरह हर चीज़ लेके जा रही है। अच्छा ये फ्राई होने लगी है रोश की बोट, जबरदस्त। इस डिश का नाम क्या है, ये इसकी जैंट कहते हैं, जैंट जी जैंट। अच्छा माशाल्लाह ये देखें यहाँ पर किडनीज भी इन्होंने रखी हुई हैं, गुर्दे, तो इनको भी रोश के तरीके से पकाया होता है। ये मिक्स के लिए जो है ना, मिक्स एक अलग डिश है। अच्छा किडनीज और उसमें गुर्दे वगैरह सारी चीजें जो है ना, ये चम्प, ये तैयार हो गया है। ठीक 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 माशाल्लाह तबारकअल्लाह। इस तरह भी देते हैं भाई रोश को, थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से बना के देते हैं। ये देखें भाई साहब ये रोश तैयार हो गई है एकदम माशाल्लाह तबारकअल्लाह। इसको अभी स्टेशन पे लेके जाने लगे हैं जहाँ पर इसको सर्व करेंगे। ये लेके आगे भाई फुल रोश माशाल्लाह, देखें अंदर क्या बात। ओ हो देखें ऊपर भाई तेल की बरसात हो गई। ये चर्बी का तेल है खान साहब? जी ये चर्बी रेस्टोरेंट को कितना अरसा हो गया अभी? तकरीबन इसकी 14 साल हो गए। 14 साल हो गया माशाल्लाह। दुबई नाम रखने की क्या वजह थी? कोई खास तो नहीं है, मैं इससे पहले मैं दुबई में काम करता था वैसे। अच्छा, मेरा जेन के लिहाज से तो जब आया क्वेटा में तो ये जेन बना कि अपना रेस्टोरेंट बनाएंगे और उसका नाम दुबई रेस्टोरेंट। वाह भाई वाह, मुझे भी ऐसे लगा कि शायद आप दुबई में थे इसलिए दुबई काम वहाँ पे किया था, मजदूरी करता था। अच्छा और अभी माशाल्लाह इधर है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आपको और कामयाब देख करे और अल्लाह ताला और आपको रिज़्क दे माशाल्लाह। चलें जी आगे, अभी इधर सज्जी है जो बाहर है वो आपको दिखाते हैं। देखें जनाबे आला यहाँ पर सब्जी बन रही है, बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं माशाल्लाह तबारकअल्लाह, और इनके सेंटर में ही आग लगी हुई है। देखें क्या खूबसूरती है यार, देखें माशाल्लाह तबारकअल्लाह क्या खूबसूरती है। भाई जान इसको मुर्गी को कितनी देर इधर लटका के रखते हैं उल्टा? 3 घंटे उल्टा लटका के रखते हैं फिर खाते हैं, जबरदस्त। ठीक 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 बहुत अच्छी। इसके ऊपर मसाला वसाला लगाते हैं? पहले नमक लगाते हैं ऑर्डर के बाद फिर उसके ऊपर मसाला लगाते हैं। ये जनाबे आला भाई अभी ये सब्जी सर्व करने लगे हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये सर्व करते हैं। ये सबसे पहले इसके ऊपर तेल लगाया माशाल्लाह, क्या बात है, लाल लाल हुई हुई है। ये इधर इसको मजीद पका रहे हैं, लाल कर रहे हैं। अच्छा नरम कर रहे हैं? गरम करेंगे 10 मिनट। गरम गरम ओके। देखें भाई आम तौर पे लोग ना लोहे की सीखों में ये बनाते हैं, लेकिन इनकी सीखें लकड़ी की हैं और यहाँ पर देखें मिट्टी के अंदर ही इन्होंने सीख डाली हुई है। बीच में आग लगी हुई है और इस तरफ पूरी मुर्गियाँ जो है ना महफिल इंजॉय कर रही हैं इस आग की। लें भाई अभी हमारी सब्जी जो है सर्व होने वाली है यहाँ पर। ये निकाला सीख से इन्होंने, शुक्र
क्या बात, ये इसकी हड्डी पसली तोड़ के इसको रखा है यहाँ पर और ऊपर डाल दिया मसाला। यहाँ पर माशाल्लाह बारबेक्यू बन रहा है, कढ़ाइयाँ वगैरह बन रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है खान साहब? ठीक ठाक हैं, खुश हैं? कढ़ाई वगैरह बना रहे हैं, जबरदस्त। अरे माशाल्लाह। ये भाई हम लोग ओपन किचन के अंदर दाखिल हो गए और इस तरफ है बारबेक्यू, ये देखें माशाल्लाह तबारकल्ला, इधर जबरदस्त करके बारबेक्यू बन रहा है। वाह भाई, पता नहीं चाप है इस तरफ भाई जान, मलाई बोटी और सीख कबाब। ये देखें भाई ताजी चपाती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान? ठीक ठाक, खुश हैं? कैसे हो? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आप जैसे ही यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के पास आते हैं, पार्किंग में गाड़ी लगा के, साथ ही आपको ना बहुत सारी सजियाँ नज़र आती हैं, सजियाँ वहाँ पर बना रहे होते हैं। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ से मेन गेट से इंटर होते हैं, इस तरफ ओपन किचन है और इनका एक इनसाइड किचन भी है, तो वहाँ पर जो इनसाइड किचन है वहाँ पर ज़्यादा गहमा गहमी और बड़ा मज़े की रोश वगैरह और काफ़ी सालन पुलाव बिरयानीज वगैरह वहाँ पर बन रही होती हैं। और इस तरफ जो ओपन किचन है इसमें बारबेक्यू होता है और चिकन कढ़ाई वगैरह यहाँ पर बन रही होती है और अच्छी गहमा गहमी है। यहाँ पर ओपन सीटिंग है और अंदर बैठने की भी जगह है, तो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, गहमा गहमी अच्छी है, लोग आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, तो बड़ी रौनक लगी होती है माशाल्लाह तबारकल्ला। ये भाई साहब यहाँ पर कैबिन्स वगैरह भी बने हुए हैं जो कि सर्दियों में बड़े काम आते हैं, इधर अंदर भी लोग बैठ के खा सकते हैं। और हम लोग अभी रेस्टोरेंट के पीछे जा रहे हैं जहाँ पर एक और सीटिंग एरिया है, ओपन सीटिंग एरिया है, बहुत ही खूबसूरत। देखें यहाँ पर खुली हवा में बैठ के लोग अपना खाना इंजॉय करते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह महफिल लगी हुई है, जबरदस्त। आपका इंतजार हो रहा है, ओए होए 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 होए, कहीं मुझे बकरा ना समझ लेना भाई। देखें भाई हमारे दोस्त यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये मक्का से आए हैं माशाल्लाह तबारकल्ला। जी जी नहीं, आप दोनों को ले आए भाई। ये है नमकीन लस्सी, इसको कहते हैं शुलम्बे, बाबर भाई शुलम्बे, शुलम्बे ये लीजिए, शुलम्बे दें भाई, ये लीजिए शुलम्बे है जी, ये शुलम्बे चेक करके आपने बताना क्या बोलते हैं। हम तो इतना सफर ही इसीलिए करके आए हैं ताकि आपको चेक करके बताएं कैसे। लस्सी के लिए तो आप नहीं आए? नहीं, ये अभी थोड़ा सा मैदे को ना और ज्यादा शिद्दत पैदा कर देंगे। आहा, चाटी की लस्सी की तरह। ये यहाँ पर जनाबे आला हमारी रोश आ गई है और इस तरफ हमारे पास है मिक्स। अब ये मिक्स के अंदर इन्होंने गुर्दे वगैरह भी डाले हुए हैं, ये देखें किडनीज हैं। और ये कौन सी चीज़ बताई थी आपने, ये बॉल्स? ये कोफ्ते। अच्छा ठीक, ये कोफ्ते हैं और ये वही रोश की बोटी है, ज़बरदस्त। ये देखें कैसी ज़बरदस्त चमक रही है, और साथ में इन्होंने मिर्ची भी दी हुई है, इसको ना दोबारा से फ्राई करके दी है इन्होंने। ये हमारी सऊदी अरेबिया में ऐसी रोटी होती है जिसको तमीज कहते हैं, और इसके साथ हमारी गोश बिस्मिल्लाह भर के। ओए ओए ओए, ये देखें कैसे बोन निकल के आई है, ये इधर से देखें, ओह हो 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 हो, ये देखें इसको फुली खोल दिया है हमने, कमर वाली हड्डी आई है, लाजवाब। और इसको ट्राई मारें बिस्मिल्लाह भर के, ये खूबसूरत सनवाला बना है, बिस्मिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, खाली गोश्त का अपना टेस्ट। आहा भाई कैसा? थोड़ी देर बाद बताएंगे अब्दुल रहीम भाई। यहाँ पर भाई देखें, इस हमारी मिक्स प्लेट में गुर्दा है और साथ में ये एक कोफ्ता टाइप चीज़ बनी हुई है, ये कीमे का बना हुआ है, इसको ट्राई मारें, चपाती के साथ ट्राई करें, और इसके साथ मिर्ची लाजमी होनी चाहिए। गुर्दा जो है हर कोई शायद पसंद ना करे, लेकिन ये कोफ्ता बहुत मज़ेदार है। ये रोश का दूसरा हिस्सा जो फ्राई हुआ हुआ है, ये देखें ना, ये फ्राई होकर ना ऊपर से क्रिस्प हो गया है, ये सबसे बड़ी चेंजिंग आई है इसमें। इसके ऊपर डालें लेमन, ओहो हो, इसने अलग ही मज़ा देना है। आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। आपको देख के अभी हमने उनको कहा जल्दी ला, भूख बढ़नी है। चलें जी, खाना खा लिया, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त खाना था, ख़ास तौर पर क्वेटा के हिसाब से, रोश वगैरह और हर चीज़, और बेहद हम लोग थके हुए हैं अभी, मेरे दोस्त भी सब, और अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। तो अगर आपने पिशावर के खाने की वीडियो अभी तक नहीं देखी जिसमें पिशावर के बहुत ज़बरदस्त खाने, रोश वगैरह और पुलाव और ये चीज़ें मैंने शेयर की थी, तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो आपने मिस कर दी है, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक कर दें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।